पेट्रोल डीजल और रसोई गैस सिलेंडरों की देश भर में लगातार हो रही मूल्य वृद्धि के विरोध में विदिशा में महिला कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। माधवगंज चौराहे से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर पेट्रोल पंप पहुंचे और नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंप चूड़ियां भेंट की हैं। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्षा सम्माननीय दीदी सुष्मिता देव जी, मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्षा आदरणीय दीदी मांडवी चौहान जी के निर्देश पर आज हमने ये विदिशा जिला महिला कांग्रेस के नेतृत्व में गैस सिलेंडर मूल्य वृद्धि और डीजल और पेट्रोल की मूल्य वृद्धि को लेकर प्रदर्शन किया है यहाँ। और उस प्रदर्शन के माध्यम से हमने मध्य प्रदेश के सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार को आगाह किया है कि जिस तरह से वो हमारी आम जनता को महंगाई की मार झेलने पर मजबूर कर रहे हैं, हमारी मांग है कि पेट्रोल और डीजल को GST के दायरे में लाना चाहिए ताकि हमारी आम जनता को कुछ हद तक महंगाई की से निजात मिल पाए। आज हमने ये आंदोलन यहाँ सड़कों पर उतर कर किया है और चूड़ियाँ भेंट करेंगे हम नरेंद्र मोदी के लिए कि अगर वो हमारी महिलाओं के साथ न्याय नहीं कर सकते तो चूड़ियाँ पहन के घर में बैठें और उन्हें कोई अधिकार नहीं है कि वो देश के प्रधानमंत्री रहें, क्योंकि जो वादे उन्होंने चुनाव में जनता से किए थे, हमारी गरीब आम महिलाओं से किए थे, उन वादों पे खरे नहीं उतरे हैं वो। और लगातार गैस सिलेंडर और डीजल पेट्रोल की महंगाई रोज बढ़ रही है। आज स्थिति ये है कि हमारी आम जनता, हमारी आम गृहणियाँ घर गृहस्थी चलाने में बहुत परेशान हैं। अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए वो अच्छे से अच्छा ना खाना खिला पा रही हैं, ना उनका पालन पोषण कर पा रही हैं। और जिस तरह से इस मोदी सरकार ने हमारे देश को महंगाई की मार झेलने को मजबूर किया है, तो हम महिलाएं आज सड़कों पर उतर कर उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और अगर ये मूल वृद्धि वापस नहीं ली गई तो हम फिर सड़कों पर उतर कर मुंह तोड़ जवाब दें। विदिशा से किशन स्वरूप सक्सेना की रिपोर्ट।